राधे 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 तेरे चरणों की श्याम तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की श्याम श्यामा तेरे चरणों की ये मन बड़ा चल चल है राधे भजन करूं कैसे ये मन बड़ा चल चल है राधे भजन करूं कैसे God.
वृंदावन बिहारी लाल की हमारे ब्रज के रखवारे कन्हैया राधिका रानी हमारे
ये चिंता बनी रहती है और कुछ भी ध्यान में आता रहता है।
लेकिन आधा घंटा रोज ध्यान योग की तपस्या से भगवान का मिलना आजकल के जो है तथाकथित गुरु बताते हैं कि ध्यान योग से भगवान की प्राप्ति हो सकती है, तो कलयुग में तो संभव नहीं है। कारण कलयुग में जो है भगवान की तपस्या या भगवान की प्राप्ति के लिए चित्त को निर्मल करने के लिए ध्यान योग के लिए उम्र कम से कम 1,00,000 वर्ष होनी चाहिए, जो कि कलयुग में मात्र 100 वर्ष आकी गई है, लेकिन उसको भी कई कई सौभाग्यपूर्ण व्यक्ति ही छुपा पाए, अन्यथा कोई 10 वर्ष में जा रहा है, कोई 40 वर्ष में जा रहा है, कोई 60 वर्ष में, और कोरोना जैसा आ जाए तो कुछ पता नहीं कब कब कौन चला जाए। तो सत्युग में ध्यान योग के माध्यम से जिस हरि की प्राप्ति होती है वही कलयुग में मात्र हरिनाम संकीर्तन और सत्संग। सत्संग का मतलब क्या है? जो सत्य वस्तु भगवान श्री कृष्ण का सुंदर सेवा करते हुए ऐसे साधुओं का संग, उनसे श्रवण कीर्तन करना सीखना, इसको कहा जाता है सत्संग। तो ऐसे महान गुरु परंपरा में आए हुए गुरु का संग, वैष्णवों का संग जब हमें प्राप्त हो जाता है तो निश्चित तौर से हरि मिलते हैं। तो सत्युग का उम्र कितनी होनी चाहिए? 1,00,000 वर्ष। उसके बाद कौन सा आता है युग? कौन सा आता है? त्रेता युग आता है। त्रेता युग में 1,00,000 वर्ष से घट करके 10,000 वर्ष उम्र रह जाती है। तो ध्यान योग के लिए कम से कम 60,000 वर्ष चाहिए, तब जाकर के आपकी सिद्धि होती थी। लेकिन अब आपके पास 1,00,000 वर्ष नहीं है, मात्र 10,000 वर्ष है। तो भगवान ने शास्त्रों को बहुत सुंदर तरीके से निरूपण किया कि अब व्यक्ति के पास इतना धैर्य नहीं है कि 1,00,000 तक मेरी उपासना कर सके, मात्र 10,000 वर्ष जिएगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, कोई 1,000 में चला जाए, कोई 2,000 में चला जाए। तो भगवान ने सुंदर तरीके से ध्यान योग को हटा करके त्रेता युग में क्या किया? यज्ञों की स्थापना कर दी कि यज्ञ के माध्यम से हृदय को चित्त को निर्मल करके मुझे प्राप्त किया जा सकता है। जब निर्मल चित्त हो जाएगा तब हरि नाम उसमें आ सकता है। तब भी करना क्या पड़ेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यज्ञ के लिए कम से कम 1,000 वर्ष जो है हमें यज्ञ करने होंगे नियमित रूप से डेली, तब जाके भगवान हमारे हृदय में जो है हमारे हृदय को निर्मल करते हुए यहां पर प्रस्थान करेंगे। लेकिन ये उसके बाद क्या हुआ? द्वापर युग आया। द्वापर युग में हमारे पास जो है ना ध्यान योग के द्वारा भगवान की प्राप्ति की जा सकती है ना यज्ञों के द्वारा। क्यों? क्योंकि और भी उम्र घट गई है। द्वापर युग में ना 1,00,000 वर्ष है ना 10,000 वर्ष है, मात्र 1,000 वर्ष। और 1,000 वर्ष तो यज्ञों के लिए शुरुआत है। तो यहां पर ना ध्यान योग से भगवान की प्राप्ति होती है ना ही यज्ञों से भगवान की प्राप्ति होती है, तो किससे होगी? तो भगवान ने शास्त्रों में सुंदर तरीके से बतलाया शास्त्रों में कि अर्चा विग्रह की सेवा, आरती अर्चन देना, उनकी परिक्रमा इत्यादि, मंदिर मार्जन, ये सब जो अभी ठाकुर जी की हम लोग सेवा सुबह और शाम को जाकर के देखते हैं मठ के अंदर, वह सेवा, यह जो साधन है ये त्रेता युग का है। तो त्रेता युग में भगवान बड़ी कृपा करके द्वापर युग में भगवान बड़ी कृपा करके क्या करते हैं? अर्चा के रूप में, शिव विग्रह के रूप में स्वयं प्रकट हो जाते हैं। याद रखिए, शिव विग्रह जिसको मूर्ति का हटक जाता है, लेकिन मूर्ति वह है जिसमें भगवान प्रतिष्ठापित नहीं होते, लेकिन जब मूर्ति के अंदर सुंदर तरीके से आचार्य के द्वारा गुरुवर्गों के द्वारा जब उसमें भगवान के प्राण को प्रतिष्ठापित किया जाता है तो वह मूर्ति नहीं रह जाती, वो हो जाता है श्री विग्रह। विशेष प्रकार से जो सेवा ग्रहण करे वह विग्रह। तो ये शिव विग्रह द्वापर युग में सुंदर तरीके से भक्त से सेवा को प्राप्त करते हैं और प्रसन्न होकर के उनको पूर्ण फल प्रदान कर देते हैं। अब आया कलयुग, अब हमारी उम्र हो गई 100 वर्ष, उसकी कोई गारंटी नहीं 100 भी हम जिएंगे नहीं।
तो ना तो ध्यान योग से भगवान की प्राप्ति होगी, ना यज्ञों के द्वारा और ना ही अर्चा विग्रह के द्वारा, तो कैसे होगी? बहुत सरल कर दिया कि जो सत्युग में हम ध्यान योग से प्राप्त करते थे भगवान की साधना को, भगवान की दर्शन को, भगवान की भक्ति को, जो त्रेता में हम भगवान के यज्ञों को करके भगवान की प्राप्ति किया करते थे, जो द्वापर में भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा करके हम फल प्राप्त किया करते थे, उस भक्ति को कलयुग में मात्र हरिनाम संकीर्तन से प्राप्त किया जा सकता है, सत्संग के माध्यम से, गुरुवर्गों की सेवा से और वैष्णव के संग से। तो एक बार सब बोलेंगे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे, राम रामा हरे हरे। भगवान ने बड़ी कृपा करके कलयुग के प्राणियों को सुमंद मति बता दिया, मतलब अति मंद जिसकी मति हो, उस मति के अंदर कुछ जाता नहीं, शास्त्रों की बात जल्दी से जाते नहीं। पहले जो वेद थे वो एक थे, ऋग्वेद, उसी में सारे वेद थे, लेकिन वेद व्यास ने देखा कलयुग आने वाला है और कलयुग के जो प्राणी हैं वो इतने अल्प बुद्धि वाले हैं, वो वेदों को समझ नहीं पाएंगे। पहले जो गुरुदेव अपने शिष्यों को सुना देते थे तो शिष्य क्या करते थे, सुन करके ही अपने मस्तिष्क में रख लिया करते थे। एक एक श्लोक, एक एक वेदों का अंग जो गुरुदेव शिष्यों को बताते थे वो शिष्य सुन करके ही ग्रहण कर लिया करते थे, इतनी तीक्ष्ण बुद्धि हुआ करते थे, मेधावी हुआ करते थे छात्र। लेकिन वेदव्यास ने देखा कलयुग का जो जीव है उसकी मति, उसकी मेधा इतनी तीव्र नहीं है, वो अभी कुछ पढ़ेगा, अभी कुछ सुनेगा, घर जाते जाते भूल जाएगा, दो दिन में तो बिल्कुल भूल जाएगा कुछ सुना भी था। तो इसीलिए वेदों को लिपिबद्ध किया, उसको सुंदर तरीके से लिखा गया और एक वेद को चार भागों में विभाजित किया श्री वेदव्यास ने, कि आने वाला समय जो है श्रुति धरो का नहीं होगा। श्रुति धर बोलते हैं जो सुन करके याद कर ले। आगे आने वाला हम जैसे बदजीव जो होंगे, रट्टा प्रकाशन करके भी भूल जाएंगे, तो उन्होंने देख लिया कि वेद व्यास जी देख रहे हैं कि आने वाले जो प्राणी हैं वो याद नहीं रख पाएंगे, उनको लिख करके देना पड़ेगा। और इन वेदों को बहुत सरल करके जो ऋग्वेद है उसको और सरल करना पड़ेगा, उनको चार वेदों में किया, उसके बाद उनको भी सार, सार बोलते हैं तो उपनिषद, जो वेदों का सार है उनको बोलते हैं उपनिषद, और 108 प्रकार के उपनिषद बनाए। 108 में से भी जो है मुख्य मुख्य उनका जो सार है, सारों का भी सार, उनको वेदांत सूत्र बोला गया, वो कम से कम 550 श्लोक है उसके अंदर, उसको बनाया गया कि अगर इसको भी कोई तत्व जिज्ञासु व्यक्ति अगर धारण करेगा तो निश्चित तौर से भगवत तत्व को समझ पाएगा। और हमारे भक्ति ग्रंथों के हिसाब से 108 उपनिषद ना लेकर के मात्र 11 उपनिषद दिए गए जिसमें भक्ति का निरूपण होता है। तो ऐसे श्री वेद व्यास उन्होंने समस्त प्रकार से ज्ञानी, कर्मी, योगी और भक्त के लिए समस्त शास्त्रों को सुंदर तरीके से लिपिबद्ध किया और बुरी बुरी प्रशंसा करते हुए कहा, ना कर्मी बनो, ना ज्ञानी बनो, ना योगी बनो, बनो तो बनो एकमात्र भक्त बनो, और भक्त केवल और केवल भगवान का होना चाहिए। क्योंकि भक्त जैसे गांव में हम सुनते हैं वो एक भक्त है, पता नहीं किसका भक्त है, वो देवी का है या भूतों का है पता नहीं, तो ऐसा भक्त नहीं, भक्त होना चाहिए एकमात्र राधा कृष्ण का, नहीं तो सीताराम का, नहीं तो लक्ष्मी नारायण का, ये भगवत तत्व है, इनकी जो उपासना करेगा निश्चित तौर से भगवान की भक्ति प्राप्त करेगा। धन्यवाद। वांछा कल्पना
सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म पुष्पाद श्रोतम संपत्ति श्री चरण कमल में कोटि जन्म तर्पण करता हूँ। तत्पश्चात प्राण गुरुदेव लीला विष्णु विष्णु पाद श्रोत संपत्ति श्री नारायण गोस्वामी भक्ति श्री रूप से गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अंत कोटि जन्म तर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी आप सभी को यथा योग जन्म तर्पण करता हूँ। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली है कि आप लोगों के घर में महाराज जी आए हैं और महाराज जी के आते ही अभी प्रभु जी ने बताया था कि ये आपका घर बन गया गोलोक। तो हमारा हम अपना कल्याण करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। साफ बात, कल्याण करने के लिए यहाँ पे हम लोग बैठे हैं। व्यक्ति अपना कल्याण केवल अज्ञान के कारण ही नहीं होने देता। बाकी हम आज सबसे सरल जो चीज है व्यक्ति की कलयुग में वो कल्याण ही है। बहुत आसान है कल्याण। गुरु जी कहते हैं भक्ति इतनी आसान है और भक्ति महाकठिन है। आसान है इसीलिए कल्याण का मार्ग भी आसान है। अभी ये कोई दूल्हे की तरह नहीं। एक बार क्या हुआ, एक दूल्हा शादी में दूल्हा था तो वो घोड़ी पे चढ़ के जा रहा था। अब जब घोड़ी पे चढ़ के जा रहा था तो वो फायरिंग हो रही थी गोली की, क्योंकि गोलियां चलती है ना, तो वो गोली चलाई, किसी ने पता नहीं वो गोली टकरा टुकड़ों के वो दूल्हे के पेट में घुस गई, उसका ब्याह हो गया अच्छी तरीके से। तो कहने का मतलब ये सब अज्ञान है और कुछ नहीं है। मतलब एक दृष्टि, पूरी दृष्टि देखो हमारी, हम लोग जैसे संसार को हम नहीं बदल सकते, हम अपने आप को ही बदल सकते हैं। यस्य दृष्टि स सृष्टि भवेतः, उपनिषद कहता है। जो सृष्टि जो है हमारी दृष्टि पे निर्भर करती है। जैसे दो ग्लास, एक ग्लास है पूरा, एक ग्लास जो है वो आधे पानी से भरा है, तो एक व्यक्ति कहेगा अरे ये आधा तो खाली है, पर दूसरा व्यक्ति कहेगा आधा तो भरा है। तो यहाँ पे संतोष नहीं है, वहां पे संतोष है। और संतोष कैसे आएगा, संत के द्वारा दिए गए प्रसाद से, गुरु के द्वारा दिए गए नाम से, गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान से संतोष प्राप्त होगा। संत प्रसादेन पारितोषाम इति संतोषः। गुरुदेव के कृपा से, गुरुदेव के प्रसाद से ही संतोष प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं। व्यक्ति कितना ही बड़ा हो जाए उसको संतोष नहीं तो शांति नहीं, क्योंकि संतोष और शांति एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। इस कारण से जैसे एक व्यक्ति है, एक नाई था, है ना, एक नाई था, तो वो नाई क्या, वो नाई किसी अपने दोस्त से बात कर रहा था। इतनी देर में तीसरा व्यक्ति आ गया, उसके इतने बड़े बड़े केश सर के। दोस्त बोला नाई से, अरे भैया तेरे होते हुए इस व्यक्ति के इतने बड़े बड़े केश कैसे है, ये क्या कर रहा है तू, ये क्या हो गया। तो उस नाई ने कहा अरे इसमें मेरी क्या गलती है, वो जब मेरे पास आएगा तभी तो मैं उसके बालों को काटूंगा, तभी तो उसके बाल बनाऊंगा। अब वो आया ही नहीं हमारे पास तो मैं उसके बाल कैसे बनाऊं। ऐसे ही हम लोग जो है, ऐसे ही हम लोग जब तक श्री भगवान की शरण में नहीं जाएंगे, जब तक हम लोग भगवान के नाम का आश्रय नहीं लेंगे, तब तक कैसे कल्याण पॉसिबल, कैसे कल्याण होगा, नहीं होगा। देखो व्यक्ति अपने स्वभाव को, भगवान हमारे स्वभाव को नहीं बदल सकते, हमारे स्वरूप को बदल सकते हैं। अगर आप कोई भगवान से प्रार्थ करके भगवान मुझे तो कैटरीना कैफ बना, तो भगवान कैटरीना कैफ ही बना देंगे तुम्हें। भगवान स्वरूप दे सकते हैं, भगवान स्वभाव नहीं दे सकते। स्वभाव कौन बदल सकता है, स्वभाव संत बदल सकते हैं, स्वभाव गुरुदेव बदल सकते हैं और कोई नहीं बदल सकता। जैसे एक बिल्ली का स्वभाव पर क्या हुआ, एक महर्षि वेद का पाठ कर रहे थे, तो कैसे कर रहे थे, वो जो गुफा थी उनकी उसमें बत्ती तो थी नहीं, लाइट सिस्टम तो था नहीं, तो क्या किया, बिल्ली को खड़ा करके उसके मस्तक पर दीपक रख करके और वो पाठ कर रहे थे। ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अथर्व बच रहा था, अथर्ववेद का पाठ करे जा रहे थे। पहली श्रुति पढ़ी, दूसरी श्रुति पढ़ी, सारांश पढ़ा, सार गुण पढ़ा, और पढ़ने के बाद क्या हुआ, कोने से एक चूहा निकल गया, वो बिल्ली ने कोई अथर्ववेद ऋग्वेद तो सब भाड़ में गए और भागी चूहे के पीछे, वो सर का दीपक जो है वो नीचे गिर गया। इसीलिए तब ऋषि ने कहा कुल नीति छूटे नहीं,
जाति स्वभाव न जाए, अरे मंजारी के पुत को चारों वेद बढ़ाए। इस कारण से हमारा स्वभाव नहीं जा सकता, लेकिन स्वभाव कब बदल सकता है हमारा? एक ही शब्द है, भगवान और गुरु के आश्रय हो जाए, हरिनाम का आश्रय ले ले हम। एकमात्र यही केवल है जो हम लोगों को भगवान के आश्रय में रहने से हम लोग का स्वभाव बदल सकता है। कितना निकृष्ट स्वभाव है हमारा, सब अपने स्वभाव से वाकिफ है, सब जानते हैं अपने आप को, मतलब वी नो बेटर देन, नोबडी नोज बेटर देन अस। कोई भी व्यक्ति हमसे बेटर, हमसे ज्यादा हमको नहीं जान सकते। क्या तो श्री, क्या तो परमेश्वर ही हमें जानते हैं, गुरु और परमेश्वर अभिन्न, और क्या हम लोग ही अपने आप को जान सकते, बाकी तो नहीं। इसीलिए कोई व्यक्ति आ जाए, ठीक है, आने के बाद हम लोग उसके सामने प्रदर्शन करते हैं, एक दर्शन होता है, एक प्रदर्शन होता है, प्रकृष्टम दर्शनम यस्य, एक प्रदर्शन होता है। किसी को कोई लाइक नहीं करता, वो आ जाता है, अब क्या अगर आ गया तो हाँ अरे आप आ गए, अरे हमारे तो बात खुल गया, और मन में हे भगवान इससे कब पिंड छूटे, ऐसे ऐसे होता है ना मन में। इस कारण से स्वभाव हम नहीं बदल सकते, स्वभाव बदलेंगे गुरु और संत। और गुरुदेव कैसे स्वभाव बदलेंगे? गुरुदेव के द्वारा जो नाम है, जो अभी इतनी बड़ी नाम की डेफिनेशन है सब प्रभु जी ने आप लोगों को बता दी, नाम हरिनाम, हरिनाम भगवान के नाम में सर्व सामर्थ्य भगवान का नाम अपने आप में है, जो हमारे स्वभाव को बदल सकता है। और स्वभाव को कौन बदलेगा? स्वभाव को एक ही बदल सकता है, भगवान का नाम, गुरुदेव की कृपा से। इसलिए बढ़िया मन से, शुद्ध मन से, जब मन अच्छा हो जाएगा तब विश्वास होगा, जब विश्वास हो जाएगा तो दृढ़ संकल्प होगा, दृढ़ संकल्प हो गया तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भजन सु वेद प्रकाश, वेद का वेद को प्रकाशित करता हुआ, अथवा वेद जिससे प्रकाशित है, ऐसे श्री भगवान का नाम हमारे मुख से उच्चरित होगा। अभी तो कैसे, इसलिए भगवान का नाम जो है हर एक चीज से, भगवान का नाम किसी भी प्रकार, हर एक अंग भगवान के नाम, भगवान का नाम हर एक अंग को पोषित करता है। संकेत्यम पारिहासम वा, चाहे संकेत से ले लो, चाहे परिहास से ले लो, किसी से भी ले लो। अब जैसे संकेत में कोई नाम लेगा, ठीक है, एक बार क्या हुआ, एक बहुत अच्छे संत थे, तो वो संत क्या, उन्होंने क्या कुछ समय के लिए उन्होंने केवल हरिनाम ही बोलते थे, हरिनाम के अलावा कुछ नहीं बोलते थे। किसी को भी बुलाना होता था तो कैसे बुलाते थे, विद्यार्थी थे उनके, उन संत के, तो वो कैसे बुलाते थे विद्यार्थी को, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, इधर आ जाए इधर आ जाए इधर आ जाए। और मान लो उनके यहाँ पे कोई झगड़ा, और मान लो कोई आ जाता उस भवन में, उस आश्रम में, तो उसको कैसे बोलते थे, कैसे उसको, उसका वेलकम कैसे करते थे, देखो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, आओ आओ आपका स्वागत है, प्रसाद पाकर के जाना। और मान लो कोई उनका विद्यार्थी शरारत कर देता था, किसी ने शिकायत कर दी, महाराज जी आपका विद्यार्थी शरारत करे, तो कैसे करते थे उसको, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, ऐसे कर करके उसको बोला। तो सांकेत्य पारिहासम वा, परिहास से कैसे भी करो, परिहास में करो, अब कितने, और वैसे भी साधुओं का तो सब परिहास ही उड़ाते हैं और कोई नहीं बाहर। अब देखना थोड़े दिन में अपने घर, एक बार बीच में घर पे कुछ काम है तो जाना है, तो बस वो चोटी देख करके तो हर जगह शुरू ही हो जाते हैं, और पंडित जी आ गए, हरे कृष्णा वाले आ गए, ये आ गए, वो आ गए। तो कहने का मतलब है परिहास, लेकिन उसमें भी उनका कल्याण हो रहा है। जब आप सोचो कि इनडायरेक्ट वे से भगवान का नाम कल्याण कर सकता है, तो हम लोग डायरेक्ट वे से भगवान के नाम से अपने अपने आप को कल्याण पूर्ति क्यों नहीं कर सकते? इस कारण से इस समय यदि कोई जीव को उतार सकता है, यदि हमारे हमें कोई पूरित कर सकता है, पोषित कर सकता है, फुलफिल कर सकता है, हमारी फीडबैक को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, हमें नॉरिशिंग कर सकता है, तो एकमात्र भगवान का नाम है, श्री भगवान का नाम ही है। इसीलिए कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम केवलम, कलऊ नास्तेव 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 गतिरन्यथा, और कोई गति नहीं है भगवान को, भगवान के नाम के सिवाय। इन्हीं सभी शब्दों के साथ वांछा कर तदुदश्य के पास आपको बहुत काम की बेटा खाने, रसोई बना रही है, बहु रसोई बना रही है।
बहू को भेजने के लिए बैठ जाओ, 2 मिनट बैठो, 2 मिनट बैठो बेटा, बेटा तुम भी आ जाओ सामने, बेटा आ जाओ सामने लाला। अरे हाँ सामने ब्रज वृंदावन बिहारी लाल की आज के आनंद की। हाँ देखो आज हम लोगों का बहुत बहुत बढ़िया दिन है। क्या नाम प्रभु जी के? अशोक जी, हरे कृष्ण। अशोक जी और उनको धर्म पत्नी बच्चे और उनको बहू लोग आज घर में संतों को घर में बुलाए, बोले घर में हरि कथा हो, हरि कीर्तन हो। इसलिए जो साधारण लोग होते हैं किसको बुलाते हैं? अपना परिवार वालों को बुलाते हैं घर में, हैं इधर उधर चीज खाएंगे, नाचेंगे कूदेंगे। लेकिन ऐसे बड़े सौभाग्यवान व्यक्ति होते हैं जो घर में संतों को बुलाए, घर में हरि कथा हो, हरि कीर्तन हो। कहते ऐसे जो व्यक्ति है वो बड़े जगत में बड़े दुर्लभ व्यक्ति है। इसलिए एक संत कह रहे थे अभी हमारे घर में अतिथि नहीं आते, जुआरी आते हैं, इसलिए हमारे घर में शराब भी आते हैं लेकिन घर में संता भी नहीं आते हैं, घर में संतों को नहीं बुलाते हैं घर में। इसलिए जिस घर में संत आए, हरि कीर्तन हरि कथा हो, वो घर घर नहीं। इसलिए भागवत कहता है सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्रा यथा चितादर कथा प्रसंग, जहाँ पर भगवान की कथा कीर्तन हो। कहते पृथ्वी का सारे तीर्थ, गंगा यमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी, पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ है वो घर में आ जाते हैं। कहते पृथ्वी में कितना तीर्थ है? बोले 6 अरब। कितने? 1 अरब कितना होता है? 100 करोड़ में 1 अरब होता है। भागवत कहता है इस घर में 6 अरब मतलब 600 करोड़ तीर्थ उसी घर में उसी दिन आ जाते हैं, जिस दिन घर में भक्त लोग हरि कथा हरि कीर्तन है। इसलिए देखो पैसा की तभी सदप्रयोग है, पैसा लक्ष्मी है, पैसा लक्ष्मी, लक्ष्मी किसके? नारायण। जब ये पैसा नारायण की सेवा में लगती है तब घर में ये पैसा शांति सुख तभी देते हैं। अगर ये पैसा नारायण की सेवा में भक्तों की सेवा में लगेगा नहीं ना, घर में पैसा भले ही आएगा लेकिन भाई भाई में लड़ाई हो जाएगी, बहू बहू में लड़ाई हो जाएगी, नहीं तो कठिन कोई बीमारी दे देगी, नहीं तो कोई बड़ा केस मामला मुकदमा लगा देगी, सारे पैसा दे जाएगी, वो घर में शांति नहीं देगी। क्यों? लक्ष्मी नारायण की। तभी लक्ष्मी खुश होगी जब वो पैसा नारायण की सेवा में लगे और भक्त सेवा में लगे, तभी घर में खुश होगी, नहीं तो घर में सुख शांति नहीं रहेगी। अरे वो घर में पैसा आ गया लेकिन देखना घर में सब कुछ लेकिन मन में शांति नहीं। शांति कहाँ पर है? कृष्ण गीता में कहते हैं हे अर्जुन तमेव शरणम गच्छम सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात पराम शांति स्थानं प्राप्सि शाश्वतम। हे अर्जुन तभी जीव को शांति मिलेगा। देखो हम जो कुछ करते शांति सुख के लिए, इसलिए ना पढ़ाई लिखाई पैसा कमाना किसके लिए करते? घर में शांति सुख हो। लेकिन कृष्ण कहते हैं शांति मिलेगा कहाँ से? कहते शांति तो मेरे चरण में ही है, अशोक अभय अमृत आधार तुम्हार चरण दोए। कहते केवल ठाकुर जी के चरण में ही अशोक जहाँ पर शोक नहीं, अभय जहाँ पर डर नहीं, अमृत। कहते भगवान के चरण में ही ये अशोक अभय अमृत उसके चरण में। इसलिए वेदांत सूत्र का जो पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये पहला सूत्र है। इसका मतलब क्या? उसमें 3 वार आया अतः अतः ब्रह्म जिज्ञासा, 3 शब्द, ये पहला सूत्र है। कहते अतः मतलब होता है जीवन में हम सबके सब सुख ढूंढते हैं। आप बताओ कौन दुख ढूंढता है संसार में? कोई दुख को बुलाता है घर में? कोई नहीं बुलाता है, लेकिन बिना बुलाता है, बिना बुलाए करुणा आ गया, करुणा हो गई बुला रहा था, बिना बुलाए करुणा आ गई। यही लगे अतः अतः मतलब जीवन में हम शांति सुख ढूंढते हैं, लेकिन यहाँ प्रश्न है पर शांति सुख मिलता ही नहीं है। बोले अतः अतः मतलब होता है जहाँ पर तुम्हें ढूंढनी चाहिए ना
तुम्हें वहां नहीं ढूंढ करके तुम गलत जगह पर गए ढूंढ रहे हो। एक उदाहरण देकर समझाए, एक व्यक्ति ने देखा है कि माता जी रोड में कुछ ढूंढ रही हैं, एक घंटा से ढूंढ रही हैं। वो व्यक्ति जब गया देखा तभी ढूंढ रहा था, जब आया देखा तभी ढूंढ रहा है। वो व्यक्ति ने कहा माता जी तो क्या ढूंढ रहे हो, एक घंटा से देखा तो ढूंढते जा रहे हो। बोले बेटा यहाँ कहीं सुई घूम गई। बोले सुई घूम गई, घूमी थी कहाँ पर? बोले घर में। बोले घर में तो घुमाता तो रोड में क्यों ढूंढ रहे हो? जहाँ तुम्हारी खो गया वहां जाकर ढूंढना है, जहां पर खो गया वहां पर जाकर ढूंढो। इसलिए कहते अतः, अतः मतलब है कहते सारे दुख का जड़ क्या है, कहते सारे दुख का जड़ क्या है, क्यों दुख का कारण है। इसलिए हमारे शास्त्र कहता है कृष्णा भूली सही जीव अनाज है, सारे दुख का जड़ है हमने भगवान को छोड़ दिया। ठाकुर जी को छोड़ करके जहाँ सुख शांति उसको तो छोड़ दिया, कहाँ ढूंढ रहे हैं? बोले संसार, अपना बीवी बच्चे दुनियादार में ढूंढ रहे हो। अरे ये तो एक दिन नश्वर है, ये तो खत्म होने वाले, ये तो एक दिन जाने वाले, संसार छोड़ने वाले तुम हो हैं? जो स्वयं संसार में दुखी दुखी, तो वो तुमको सुख कैसे देगा? सुख देने वाले ठाकुर है। इसलिए जहाँ ढूंढनी चाहिए कहते वहां नहीं ढूंढ करके हम गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं। जब संसार में सुख मिल जाएगा? नहीं मिलेगा भैया, जिसने बनाया खुद कहते हैं दुखालय, ये दुख का घर है। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई घर से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई ससुर से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई पैसा से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, दुखी जिसने बनाया खुद कह रहा है ये दुख का घर है। हैं, मिलेगा कब? बोले ब्रह्म जिज्ञासा, मिलेगा, मिल सकता है। इसलिए श्री गोकर्ण कहते हैं न चंद्र से सुखम नास्ति न सुखम चक्रवर्ती न। आप सोचोगे स्वर्ग का इंद्र सुखी, पूछ लो तो सुखी हो? कोई सोचता ना स्वर्ग का राजा इंद्र सुखी, जगत में अगर सबसे दुखी वही होगा इंद्र को पूछ लो। थोड़ी सी कोई भजन करना शुरू कर देना, पहले ही उसका आसन पहले डगमगाना शुरू हो जाता है, कितना बार उसने स्वर बन गया। कहते न सुखम चक्रवर्ती न, कोई सोचेगा चक्रवर्ती राजा बन जाए तो सुखी हो जाए। आप बुद्धि को पूछता हूँ तुम कैसे हो, सोचता होगा अगले इलेक्शन में आओगा नहीं, क्या होगा नहीं होगा। जोगी को भी पूछ लो, भैया क्या सुखी हो तुम लोग, तो चैन से बैठ कर खा पी रहते हो, उसको पूछ लो चैन हो? नहीं भैया। कहते ना सुख अपने चक्रवर्ती ना, चक्रवर्ती राजा भी सुखी नहीं। बोले बोले सुख कहां? बोले सुखम अस एक जगह में सुख है मुने है एकांत जीवन, जो भगवान की चिंतन करते हैं, भगवान की शरण में शरणागत हो गए वही सुखी। जैसे प्रहलाद महाराज देखो, कहां छोटा सा बालक छोटा बच्चा और त्रिभुवन का राजत्व, स्वर्ग मत्स्य पाताल का राजा उसको पिता हिरण्यकश्यप कुछ भी नहीं कर पाए, पहाड़ का ऊपर से फेंक दिया, आग में जला दी, काल कोठरी में बंद कर दिया प्रहलाद को। कितना जाके रखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जगह गई हुई। इसलिए यहाँ कहते हैं ब्रह्म जिज्ञासा, भैया शांति सुख तो ठाकुर के चरण में ही है, उनके चरण में ही शांति सुख है और कहीं मिलेगा नहीं। अभी प्रश्न है भगवान के चरण में शांति सुख अभी मिलेगा कैसे? इसलिए भगवान बोले देखो कलियुग में मैं अपना नाम रूप में आया, कलियुग केवल नाम आधार और सुमेरी सुमेरी नरा होता रही पारा। हम तो भगवान को देखे ही नहीं, भगवान कैसे देखे ही नहीं, अभी उनको कैसे प्राप्त करे? भगवान खुद कहते हैं कलियुग में मैं अपना नाम रूप में आया हूँ, बल्कि हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। जब व्यक्ति मेरा कोई नाम जप करता है, मैं और मेरे नाम में कोई फर्क नहीं, एक ही चीज है। इसलिए अगर किसी ने भगवान के नाम का आश्रय कर लिया ना, बस कलियुग में सुमेरी सुमेरी नरा उतर ही पारा। अगर कोई प्रभु का नाम ही जप कर लिया, मतलब समझो उसने सारे वेद पुराण उपनिषद सब पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, लेकिन अगर सब कुछ पढ़ लिया प्रभु का नाम ही तुम्हारी रुचि नहीं, तो तुम्हारे सब जीरो है, वो तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा। इसलिए गुरुदेव एक सुंदर कथा सुनाते थे, इधर आ जा। इसलिए गुरुदेव एक कथा सुनाते थे, लड़ाई हो गई, ये ग्रंथ को कौन लेगा, ये ग्रंथ को कौन लेगा? अभी तीनों में लड़ाई, देवता कहते हमें मिलनी चाहिए, दैत्य कहते हमें,
इंसान कहते हमें मिलनी चाहिए, तीनों में लड़ाई हुई। जब लड़ाई हुई तब बोले भैया लड़ाई करके कोई लाभ नहीं, जिसने ये ग्रंथ बनाया उनके पास में चलो, वो जो कुछ करेंगे वही होगा। बोले ये ग्रंथ बनाया किसने, बोले भोले बाबा। इसलिए गोस्वामी जी कहते रामायण सबसे पहले किसी ने बनाया, शंकर जी ये रामायण को बना करके अपना हृदय से रखा। भागवत भी देखो, शंकर जी पार्वती को अमरनाथ में ही अमर कथा सुनाई है, कहते ये शंकर जी करता भागवत रामायण का करता श्री शंकर जी। चलो श्री भोले बाबा के पास में चलते हैं, भोले बाबा के पास में जाकर के बोले भैया अभी रामायण बनाया, अभी सब कहते हमें मिलनी चाहिए, हमें मिलनी चाहिए, ये हम आप विचार करो किसको मिलनी चाहिए। बोले देखो लड़ाई से कोई लाभ नहीं, लड़ाई से कोई लाभ नहीं, बैठ जा मैं तीनों को मैं बांट देता हूँ। जब बांट देता हूँ कहते उसमें था 100,000 श्लोक था, जब श्लोक था तीनों को बांटे, तीनों को जब बांटे 30,000 30,000 30,000 कितना कितना रह जाएगा। अरे बोलो 30,000 तीनों देना 30,000 30,000 अभी कितना बचेगा, 10,000 बच गया। फिर 10,000 को फिर उन्होंने क्या किया, 3,000 3,000 3,000 देते कितना बचेगा 1,000 1,000 फिर 1,000 को उन्होंने 300 300 300 दे दिया कितना बचेगा 100 100 फिर 100 को उन्होंने 30 30 30 दे दिया कितना बचेगा 10 10 फिर 10 को उन्होंने फिर उन्होंने 3 3 3 कर दिया कितना बचेगा 1 बचा। एक अब श्लोक देखना, एक श्लोक में चार ही चरण होता है, जैसे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र ये एक चरण, समवेत जुजुष्टवा एक चरण, मामका पांडव सैव एक चरण, किम अकुर्वन संजय एक चरण। एक श्लोक में चार ही चरण होता है, चार ही चरण में फिर एक श्लोक ने एक चरण एक चरण एक चरण दे दिया बच गया एक चरण। एक चरण में होता है 8 अक्षर कितना होता है, अभी उसको भी बंटवाया तीनों को, 2 अक्षर 2 अक्षर 2 अक्षर और कितना बचेगा 2 2 अक्षर। शंकर जी ने कहा देखो मैंने इतने परिश्रम किया है भैया मुझे तो कुछ मिलने चाहिए ना, इसलिए ये 2 अक्षर मेरे को दे दो। यदि वो 2 अक्षर किया कृष्ण नहीं तो राम, राम नहीं तो कृष्ण, ये 2 अक्षर रह गया। जब 2 अक्षर ले लिया देखो गोस्वामी जी कहते हैं वो क्या कहते बोले महामंत्र, गोस्वामी जी कह रहे महामंत्र जय जप तमहेशा काशी मुख तीह तो उपदेशा। काशी में सब लोग करवट करवट ले समझते हो, अंतिम समय में जो काशी में जो मरेगा कभी नरक नहीं जाएगा है, इसलिए अंतिम समय में लोग जाते हैं काशी में अपना प्राण त्याग करने के लिए। लेकिन जब प्राण त्याग करने जाते हैं फिर मुक्ति कौन दिला, बोले शंकर। बोले कैसे, बोले उनको कानों में कृष्ण ने तो राम का नाम सुना देते अंतिम समय में, बस प्रभु का नाम जैसे स्मरण करो। अजामिल ने लास्ट समय में अपना बेटे को उन्होंने नारायण नाम बुलाया उससे मुक्ति। इसलिए फिर गोस्वामी जी कहते हैं पंचमुख राम नाम गान त्रिपुरारी, शंकर जी पंचमुख में क्या भगवान का नाम भी जप करते हैं शंकर जी। माता पार्वती देखो, शंकर जी को माता पार्वती पूछे बोले प्रभु किसका हम नाम जप करे, शंकर स्वयं कहते हैं बोले राम रामेति रमेति रम रमे मनोरमे सहस्र नाम विस्तुल्य श्री राम नाम बरा। बोले बाबा स्वयं कह रहे बोले पार्वती 1,000 विष्णु का नाम लेने पर जो फल मिलेगा केवल राम नाम लेने से ही फल मिलेगा। जब से उन्होंने बोले ना गोस्वामी जी कहते हैं सहसना मासुनी प्रिय बानी जपी जय संग प्रिय भवानी। शंकर जी पार्वती को इतने प्रेम क्यों करते हैं, क्यों प्रेम करते हैं शंकर जी को पार्वती। गोस्वामी जी कहते हैं जब उन्होंने सुना भगवान के नाम में इतने शक्ति राम नाम में, अब देवी की आठ हाथ देखना एक हाथ में पाला है, जपी जयी प्रिय संग भवानी, इसलिए माता जी दिन भर प्रभु का नाम जप करती हैं, इसलिए शंकर जी का इतना प्रिय है। लेकिन जगत में हम कौन सा स्त्री को ज्यादा प्रेम करते हैं, जो हमारे साथ में सिनेमा घूमने जाएगी, बोले पार्क में चलो, नहीं तो किसी मल में घुमा करके ले आएगी है, नहीं तो उसी पत्नी को जो बढ़िया बढ़िया खाना खिला, नहीं ये कभी प्रेम नहीं, ये तो झूठा, ये तो स्वार्थ है तुम्हारी है, ये तुम्हारी स्वार्थ है, बड़ी उसको प्रेम, जगत में प्रेम है ही नहीं।
तो डाइवोर्स क्यों होता है? पहले तो लव मैरिज करते उसके बाद डाइवोर्स क्यों हो जाता है? फिर छोड़ते क्यों? इसलिए उसी पत्नी को प्रेम करनी चाहिए जो प्रेम पत्नी भक्ति करती है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं जिनके प्रिय न राम बैरे ही तेजी और कुटी बैरे समझते भी परम से नहीं। कहते भले ही जितने तुम्हारे प्रेम के पात्र क्यों नहीं हो, अगर भगवान की भक्ति नहीं करती है पति वा पत्नी तो तेजी और कुटी बैर सम करोड़ शत्रु मानकर उसको त्याग दो। ये कौन कह रहे हैं? ये तुलसीदास मीरा को कह रहे हैं। मीरा भजन करती थी, भक्ति करती थी, उसका परिवार बड़ा विरोध थे, उसका जेठ ननद सास सब विरोध थे, कोई भक्ति भक्ति नहीं मानते थे। हैं? इसलिए गोस्वामी तुलसीदास के पास में पत्र लिखा, हमें क्या करनी चाहिए? तब ये पत्र को तुलसीदास मीरा के पास में पत्र लिखे हैं मीरा के पास में। इसलिए शंकर पार्वती भी हरिनाम करते, हनुमान जी क्या करते हैं? रघुपति राघव राजा राम पति सपावन सीताराम। गणेश जी क्या करते हैं? गणेश जी क्या करते हैं? भगवान के नाम ही जप करते हैं। नाम जप का प्रभाव से उन्होंने जगत का सारे विघ्नों को दूर करते हैं। इसलिए जगत में जितने देवता जितने बोलोगे ना, जगत में जिन जिनियों को जगत में पूजा मिल रहा है ना, तो बोले एक कारण से जो भगवान की भजन किया है। अब जो भगवान की भजन नहीं किया ना, दो दिन में तुम मर गई उसको कौन पूछता है? बता हमारे बाप का बाप वो बाप का कोई पूछते हैं ना? हमारे मैया की मैया को मैया को दुनिया में कोई पूछता है? लेकिन मीरा को पूछते हैं। पूछते कि नहीं मीरा का नाम? प्रहलाद को ध्रुव मिले, तुलसीदास हनुमान को पूछ रहे कि नहीं? पूछ रहे कि नहीं? दुनिया इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि राम की भजन किया, कृष्ण की भजन किया। अगर हम चाहते हैं जगत में बड़े बनना चाहते हैं, भैया भगवान की भजन करो, इसी से ही दुनिया में बड़े बन सकते हो। और किसी चीज से दुनिया में हम कोई बड़े बन नहीं सकते। इसलिए क्या करो? शंकर जी तब से इसी गले में अपना कट्ठे के हार रूप में भगवान का नाम को उन्होंने धारण कर लिया। समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए सवेरे क्या करनी चाहिए? नहा धो करके करोड़ों काम को पीछे रखो जिसको अपना कर्तव्य समझते हो, ये कोई भी तुम्हारी काम में आने वाले नहीं। मरते समय यही बोलते हुए ले जाएंगे, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है, सब कोई बात झूठा है बेटा, या कि सुई धागा भी तेरे साथ नहीं जा रहा है, और जितने राम राम कृष्ण कृष्ण किया ना वही जा रहा है, सब झूठा है जगत में। आंख बंद होते कितने लोग करुणा में चले गए, क्या लेकर चले गए? सब छोड़ कर गए। लेकिन मीरा कहती क्या पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो। ठीक है ना? इसलिए जितने हमें कर्तव्य मान रहे, कोई कर्तव्य हमारे नहीं, क्योंकि संसार एक धर्मशाला का परिचय है। जैसे धर्मशाला में जाकर रुकते हो, खूब बैठ कर गप्पे मारते सवेरे होते गए सब, ये धर्मशाला तुम्हारी बीवी में तेरा बेटा तुम्हारी पति में तेरे पत्नी हो, सिर्फ गप्पे मार रहे हो कुछ नहीं। समय आएगा तो छोड़ना पड़ेगा तुमको, है? लेकिन काम में क्या आएगा? हरि का नाम ही एकमात्र काम में आएगा, और कोई काम तुम्हारी आने वाले। जो काम नहीं आएगा भैया उसको पीछे तो दिन भर लगे होंगे, जो काम नहीं अब उसको भी छोड़ दियो। ठीक है ना? सवेरे क्या करना? नहा धो करके तिलक लगा करके पहले माला लेकर के क्या करना? ठाकुर के पास में बैठो, बैठ करके थोड़े समय उसको तो भगवान का नाम लेकर कोई भी काम करो, कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि, प्रभु का नाम लेकर कोई भी काम करो मंगल देने वाले तो ठाकुर हम नहीं, उसको इच्छा से मंगल होने वाले। ठीक है ना? पहले सबसे पहले हरिनाम करो, हर दिन भर अपना संसार का काम करो। संसार नहीं, जिस घर में ठाकुर का भजन पूजा होता है वही वृंदावन है। तुम्हारे घर नहीं है क्या? है वृंदावन धाम, वही है वृंदावन। वृंदावन और कहीं नहीं, वृंदावन तुम्हारे घर ही है। जिस घर में ठाकुर का कीर्तन भजन पूजा पाठ होता है ना वही वृंदावन। घर में झाड़ू लगा रहे हो, कहाँ झाड़ू लगा रहे हो? बोले राधा रानी के निकुंज, राधा रानी के महल में झाड़ू लगा रहे हो। रोसोई बना रहे हो, बोले किसके लिए? बोले ठाकुर को भोग लगेगा। ठाकुर जी को बच्चे को प्यार देते हो, बच्चे किसने दिया? बोले ठाकुर ने दिया। कोई काम धंधा करते हो? बोले किसी लिए? बोले बगैर लक्ष्मी के ठाकुर को सेवा कैसे हो? लक्ष्मी होगा तो ठाकुर को सेवा होगा। ठीक है ना? इसलिए कोई चीज को छोड़ने का जरूरत नहीं, हर चीज को भक्ति में जोड़ दो, हर चीज को क्या करो? भक्ति में जोड़ दो। ठीक है बच्चे? जब तक वो माला नहीं करेगी ना तो खाना नहीं देना, और ये माला करती नहीं तुम भी नजर रखना, तुम उसको नजर रखना, और तुम ये तुम्हें दोनों दोनों का जरूर रखना, दोनों भजन करो। ठीक है ना? हाँ, भक्ति करो और खूब जीवन में खूब शांति और खूब सुख में जीवन में रहो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज के न
आनंद की जय। एक मिनट कीर्तन कर लो, ताली बजाते हैं, जाओ तुम लोग प्रसाद बना, सबके लिए तैयारी कर जाओ, जब आता है जा जाओ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम समारोह
हरे कृष्ण हरे बोल हरे कृष्ण।